वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज इम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। हमने आज जो टॉपिक लिया है वो फैक्ट्री एक्ट से है, जिसका टाइटल है पेनल्टी एंड प्रोसीजर। जब हम फैक्ट्री एक्ट के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो पेनल्टीज एंड प्रोसीजर का जो आपका चैप्टर है वो किस में आता है, चैप्टर 10 के अंदर आता है। उसके अंदर सेक्शन दी हुई है, 92 से सेक्शन स्टार्ट है। जैसे कि आप देखें कि फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 जो आया था उसकी जो सेक्शन 92 जो है वहाँ से हम पेनल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पेनल्टी क्यों ज़रूरी है, आपको याद हो कोई भी जब एक्ट आता है तो उसकी जो पेनल्टीज़ होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि वो एक्ट जो है अच्छे से लागू होगा या फिर नहीं होगा। आपको याद हो, पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जनरल हम एक्ट की बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पहले पेनल्टी बहुत कम थी, तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लोग फॉलो नहीं करते थे रूल, ठीक है ना, और पेनल्टी भी बहुत कम होती थी तो उसको ईजिली पे कर देते थे, ठीक है ना, इतना ध्यान में नहीं रखते थे। लेकिन जब से पेनल्टीज़ को बढ़ाया गया है तब से आप ये देखें कि लोग प्रोएक्टिवली जो है मोटर व्हीकल एक्ट को क्या करते हैं, लागू करते हैं और उन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। किस लिए करते हैं, वो उस हैवी पेनल्टी से बचने के लिए, उस अमाउंट से बचने के लिए जो पेनल्टी की फॉर्म में बहुत डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम ये देखें कि पेनल्टीज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं उस एक्ट के इंप्लीमेंट में हेल्प करती हैं। तो फैक्ट्री एक्ट की हम 92 सेक्शन देखें तो जनरल पेनल्टी इन ऑफेंसेस क्या है, हु शैल बी लायबल होगा इसके अंदर, द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री लायबल होगा, ठीक है ना। क्यों लायबल होगा, क्योंकि उसने जो सेक्शन 93 के अंदर जो प्रोविजंस थे फैक्ट्री प्रिमाइजेस के रिगार्डिंग उनको पूरा नहीं किया है, इसलिए वो क्या होगा, लायबल होगा। और इस केस में यदि वो 92 सेक्शन को पूरा नहीं करता है तो इस केस में उसका इम्प्रिजमेंट कितना रहेगा, आपका 2 ईयर्स का रहेगा और फाइन जो रहेगा आपका 1 लाख का होगा। और चाहे तो ये जो आपका फ़ाइन जो है, ये जो इम्प्रिजमेंट है, इसको डबल भी, दोनों डबल का मतलब हुआ इम्प्रिजमेंट और आपका जो है आपका फ़ाइन जो है वो दोनों चीज़ें भी उसके ऊपर क्या हो सकती हैं, लागू हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए 92 सेक्शन के अंदर हमें यही बताया गया है कि यदि कोई जनरल ऑफेंसेस है, जनरल ऑफेंसेस का मतलब ये हुआ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, और वो कौन करेगा, वो ऑक्यूपायर या मैनेजर करेगा, ठीक है ना, उसकी गलती होगी तो उसमें उसको इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है और फाइन भी दोनों लगेंगे। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 92 को पढ़ा, इसी के अंदर सेक्शन 93 के बारे में बता रखा है। 93 के अंदर ये बताया हुआ है कि यदि मैनेजर और ऑक्यूपायर जो है, यदि इस ये जो उन्होंने गलती की है इस पर यदि कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है ना, तो उस समय ईच डे हर दिन उनको 1,000 रुपये का एडिशनल फाइन भी देना होगा। ये सेक्शन 93 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 93 के अंदर यही बताया हुआ है कि यदि ये मिस्टेक कंटिन्यू करते हैं तो फाइन जो है आगे जो है पर डे 1,000 के हिसाब से क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। द शैल मैनेजर एंड ऑक्यूपायर शैल बी पनिशेबल विद द फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड 1,000 फॉर ईच डे ऑन विच कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यू, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 94 क्या है, यह है आपका एनहेंस पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। देखो नेम से क्लियर है कि यदि हमने पुरानी कंडीशंस जो देखी थी वहां पे 2 साल का इंप्रिजमेंट था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, यदि गलती कंटिन्यू रहती है सेक्शन 2 को कंटिन्यू करता है तो उसको जो है 3 साल का इंप्रिजमेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। और फाइन जो था उसकी लिमिट 10,000, और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें भी दी हुई हैं कि फ़ाइन भी लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकता है। तो 94 सेक्शन जो है वो सेक्शन 92 और 93 के कंटिन्यूएशन में ही है कि यदि वहाँ पे वो जो एरर है वो कंटिन्यू होती है तो वहाँ पे जो है आपकी सेक्शन 94 क्या होगी, अप्लाई होगी। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 95 के लिए, हम बात करें सेक्शन 95 क्या बताती है, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर। देखो जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है आपको पता है उसको क्या है, इन्फॉर्मेशन लेने का राइट्स है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही क्या कर सकता है, अपना जजमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर होता है, जैसे आप देखें, हाउज एवर विलफुली ऑब्स्ट्रैक्ट एंड इंस्पेक्टर इन द एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी पावर कन्फर्ड ऑन द हिम बाय अंडर दिस एक्ट फेल टू प्रोड्यूस ऑन डिमांड बाय एन इंस्पेक्टर एनी रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको बताएं कि जो इंस्पेक्टर है उसको राइट्स है कोई भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन लेने का, ठीक है ना, तो यदि वो उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उस केस में जो इंप्रिजमेंट होगा वो आपका 6 मंथ का होगा और जो फाइन होगा 10,000 का होगा और दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेनल्टी किसके लिए है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पे बता रखा है। फिर हम देखें सेक्शन 96 के अंदर क्या बता रखा है, सेक्शन 96 के अंदर हमें बता रखा है पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग रिजल्ट ऑफ एनालिसिस।
जैसा कि हम देखें कि कभी कभी क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशंस को जो है प्रेजेंट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम रॉन्गफुल मैनर में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करके प्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में भी जो इम्प्रिजमेंट है वो आपका 6 मंथ का होगा और जो फाइन होगा 10,000 का होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। तो सेम वही जो पेनल्टी है जो प्रीवियस सेक्शन के अंदर थी वो भी यहीं पर है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 96A, वो क्या बता रही है कि पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41(b)(c)-h। तो सेक्शन 41(b)(c)-h जो हमने पहले आपके फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हमने पढ़ी थी, यदि उनका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, उनका कॉन्ट्रावेंशन मतलब हुआ है कि वो सेक्शन कंप्लाई नहीं की जा रही, तो उस समय ये जो सेक्शन है इसके अंदर पेनल्टी होगी। और पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी आप देखें जो आपका इम्प्रिजमेंट है वो 7 ईयर का होगा और फाइन जो है 2 लाख रुपीज़ का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि विद एडिशनल फाइन 5,000 पर रुपीज़ फॉर एवरी डे, यदि आप उसको कंटिन्यू करते हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हो, तो जो आपका फ़ाइन है वो कितना हो जाएगा, 5,000 पर डे हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट था उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, बोलो 10 ईयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो आपका 96A सेक्शन है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रीवियस सेक्शन 41(b)(c)-h के बारे में बता रहा है कि यदि आप उसको कंटिन्यू कर नहीं करते, फेल होते हो आप उसका कंटिन्यूशन में, तो 7 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट है और 2 लाख रुपीज़ का फ़ाइन है, और प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो उस सिचुएशन में 10,000 रुपये पर डे तो फ़ाइन लगेगा। इसके अलावा आपको क्या है, मैं पहले तो हमने जो है 2 लाख रुपीज़ पढ़ा था, फिर यदि हम देखें तो इसको बढ़ा के कितना किया जा सकता है, बोलो इम्प्रिजमेंट को बढ़ा के 7 ईयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने 96 के अंदर हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे 97। इसके अंदर क्या बताया है, ऑफेंसेस के बारे में बताया है, ये जो वर्कर करते हैं, ठीक है ना। वर्कर यदि आप देखें कि वर्कर, हमने वर्कर के अंदर स्ट्राइक देखा था, पनिशेबल एक्ट इस तरीके का हो सकता है कि वो स्ट्राइक पर चलेगी, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो क्या माना जाएगा, ऑफेंसेस बाय द वर्कर माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें 500 रुपीज़ लगता है एक वर्कर पर, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन जो होती है उसके एक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हम देखें सेक्शन 98, पेनल्टी यूजिंग फॉर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। जैसे कि आपको बताएं कि कोई भी पर्सन है, उसके अंदर यदि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का मतलब ये हुआ कि वो काम करने के लिए योग्य नहीं है, पर उसने क्या किया है, फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया है, तो उस सिचुएशन में उसको इम्प्रिजमेंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, आपका 2 मंथ का रहेगा, और फाइन जो रहेगा वो 1,000 रुपीज़ का होगा, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो पेनल्टीज हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे अपना जो प्रोसीजर एंड पेनल्टी है वो हमने पूरा किया।